हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए वो ढोकला रेसिपी है। आप सोच रहे होंगे बेसन का ढोकला, ये बेसन का ढोकला नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके के बनने वाला ढोकला है। ये जो ढोकला बनता है बहुत ही सिंपल सा है, आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो, इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। ये बेसन के ढोकले की तरह बहुत ही ज्यादा मोटा सा नहीं बनता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसमें उड़द दाल डाली जाती है। आप अगर कहो कि उड़द दाल स्किप करनी है तो वो स्किप नहीं हो सकती है। इसकी जो चटनी बनाई जाती है बहुत ही ज्यादा चटपटी सी होती है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं या जिस तरह से मैंने बनाया है उस हिसाब से आप चलोगे तो जो काठिया ढोकला रेसिपी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम से बनेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजरात की बहुत ही फेमस स्नैक काठिया ढोकला। हम यहाँ पे एक कप मोटे चावल लेंगे, ये इडली राइस है। अगर आपके पास इडली राइस नहीं है तो आप कोई भी रोजमर्रा के चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरे बाउल में हम डालेंगे एक चौथाई कप उड़द दाल। तो इसका जो रेशियो है वो है एक कप चावल और एक चौथाई कप उड़द दाल। तो हम इन दोनों को धो लेंगे अच्छे से और पानी में भिगो के रखना है हमें। तो दोनों चीजों को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है, इसे मैं भिगो के रखूंगी ताकि अच्छे से ये फूल जाए और आसानी से टूटने लग जाए। तो ये करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लेगा। तो यहाँ पे करीबन 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है और उड़द दाल देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही है, साथ ही साथ में जो चावल है बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल का जो पानी है वो हटा दिया है। अब उड़द दाल को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। हम यहाँ पे हाथों की सहायता से या झारे की सहायता से हम जो चावल है उसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे उड़द दाल और चावल को मिक्सर जार में डाल दिया है। अब चावल का पानी हम यहाँ पे डाल देंगे, हमें यहाँ पे पूरी तरह से इसे भरना नहीं है, हमें यहाँ पे चावल का पानी जो चावल का लेवल है उससे थोड़ा कम ही रखना है। इसे हमें बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बारीक पीस लेना है एकदम फाइन पेस्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लिया है लेकिन ये बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट में हमने तैयार कर लिया है। इसमें दरदरापन सा नहीं होना चाहिए। जब आप 2 उंगलियों के बीच में मसलोगे आपको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि हल्का सा दरदरा सा है, ये पूरी तरह से फाइन पेस्ट होना चाहिए। तो ये अब तैयार हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है तो मैं मिक्सर जार के अंदर इसे रख दूंगी और इसे मैं फर्मेंट होने रख दूंगी। तो अगली सुबह हम देखेंगे कि ये फर्मेंट हुआ है कि नहीं। तो अगले दिन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि ये फर्मेंट हुआ है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। ये फर्मेंट होने की वजह से इसमें हल्की सी खटास आती है। इसका जो फर्मेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना फर्मेंटेशन के काम नहीं चलने वाला है। आप सोचो कि ये इंस्टेंटली हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, इसका एक प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे आधा हिस्सा निकाल लूंगी बैटर का और आधा हिस्सा मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि मैं शाम को इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने आधा हिस्सा यहाँ पे ले लिया है बाउल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है, चना दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून चना दाल डाल देंगे, इससे काफी अच्छा एक बाइट आता है। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक। जब भी हम बैटर को फर्मेंट करें तो पहले नमक नहीं डालना है, नहीं तो वो फर्मेंट नहीं होता है अच्छे से। अब इसमें हम डालने वाले हैं बहुत ही हल्की सी हल्दी, ये सेलम हल्दी है टाटा सम्पन्न की। तो मैंने यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। क्योंकि ये हल्का सा गाढ़ा है तो इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे, यानी कि 4 टेबलस्पून पानी। तो देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा इनो पाउडर। हमें यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है, ऐसा नहीं है कि बस 1-2 बार हमें इसे फेंटना है और बस रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा फेंटते रहना है अच्छे से। तो देखिए करीबन मैंने 1 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और मैं यहाँ पे जो मोल्ड है, जो साचा है, उसे मैं ग्रीस कर लूंगी। मैं यहाँ पे स्टील की प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और जो बैटर हमने साइड में रखा था वो अब हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से हमें फैला लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन के ढोकले की तरह बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। अब लाल मिर्ची हम यहाँ पे ऊपर फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे साइड में पानी को गर्म कर लिया था एक बर्तन में। तो प्लेट को अब हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर।
हमें यहाँ पे धीमी आंच में 15 से 20 मिनट तक इसे भाप देना है। जब तक यहाँ पे हमारा काठिया ढोकला तैयार होता है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं चटनी। मिक्सर जार में हम डालेंगे एक पोथी लहसुन, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ रंग देने के लिए है, तो मैं यहाँ पे बेड़ की मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मैं यहाँ पे टाटा सम्पन्न का गरम मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे हम डालने वाले हैं करीबन 3 टेबलस्पून तेल, ये सिंगदाने का तेल है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और ढक के हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की चटनी तैयार कर ली है, ये थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें आप थोड़ा सा और मूंगफली का तेल डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसे कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस, इससे थोड़ी सी खटास आ जाएगी, थोड़ा सा ही तीखा रहेगा। तो अच्छे से हम यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही चटपटी सी लहसुन की चटनी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे करीबन 15 मिनट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा काठिया ढोकला तैयार हुआ है कि नहीं। तो टूथपिक की सहायता से मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि नीट एंड क्लीन निकल रहा है कि नहीं। अगर ये चिपचिपा सा होगा तो इसका मतलब है थोड़ा सी कसर रह गई है। टूथपिक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी निकली है, तो ये तैयार हो चुका है। आंच को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे काठिया ढोकला को गर्मा गर्म ही काटना है, तो अब मैं इसे काट लेती हूँ। देखिए बहुत ही मक्खन की तरह कट रहा है ये, ऐसा नहीं है कि छुरी के ऊपर सब चिपक रहा हो, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्पंजी सा है। बहुत ही अच्छे से काट लिया है इसे, तो मैं यहाँ पे इसे निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रेसिपी बहुत ही अच्छे से बन के आई है, बहुत ही अच्छे से ये निकल के आ रही है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बेसन के ढोकले की तरह नहीं बनता है, इसकी जो थिकनेस होती है कम ही होती है। देखिए चना दाल दिख रहा है इसमें, और चना दाल भी बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाती है, और इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुलायम से बने हैं, कड़क है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे काठिया ढोकला बहुत ही सिंपल सा बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे चटपटी चटनी के साथ खाऊंगी। मैं यहाँ पे अब इसे टेस्ट कर लेती हूँ लहसुन की चटनी के साथ। बहुत ज्यादा चटपटा सा है, और जो काठिया ढोकला है वो थोड़ा माइल्ड है। इसमें चना दाल की जो बाइट है बहुत ही अच्छी आ रही है, और ढोकले में से बहुत ही हल्की सी खटास आ रही है। इसे हमें गर्मा गर्म ही खाना है, अगर ये ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे वापस स्टीम कर सकते हो और गर्मा गर्म खा सकते हो। तो मुझे यकीन है आपको ये काठिया ढोकले की रेसिपी पसंद आई होगी, आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।